सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के निजी स्टाफ में रहे रिटायर्ड आरएएस धीरज श्रीवास्तव को राज्य सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। धीरज श्रीवास्तव को राजस्थान फाउंडेशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली में रहकर ही फाउंडेशन का काम देखेंगे। ये जिम्मेदारी उनकी पूर्व में राजीव गांधी फाउंडेशन में किए बेहतरीन काम को देखते हुए दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। धीरज श्रीवास्तव रिटायर्ड आरएएस हैं और दो दशकों से दिल्ली में कार्यरत हैं। धीरज श्रीवास्तव अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल 1999 से 2003 के दौरान उनके ओएसडी रह चुके हैं। उसके बाद वे सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहते हुए उनके ओएसडी रहे थे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। उन्होंने 8 फरवरी 2019 को राजस्थान प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी के साथ काम किया था। धीरज श्रीवास्तव की उपलब्धियां। 8 फरवरी को राजीव गांधी फाउंडेशन दिल्ली में वो प्रतिनियुक्ति पर थे। 1994 बैच के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। धीरज श्रीवास्तव को दो दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। सिरोही, जालौर, जोधपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में सेवाएं दी हैं। फील्ड में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के साथ काम किया। महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास और आदिवासी विकास में सहयोग किया। सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सहयोगी रहे। डीनोटिफाइड घुमंतू जातियों के लिए विशेष काम किया। असंगठित क्षेत्र के लोगों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2014 में कश्मीर बाढ़ के दौरान राहत कार्य का नेतृत्व किया। इन अहम भूमिकाओं के बाद अब गहलोत सरकार में राजस्थान फाउंडेशन में एनआरआई और खास तौर पर विदेशी राजस्थानी समुदाय से राज्य सरकार के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में और काम होगा। लक्ष्मी नारायण मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, राहुल बजाज जैसे राजस्थान के उद्योगपतियों को उनकी माटी से जोड़कर निवेश के बेहतरीन माहौल को बनाने में धीरज की अहम भूमिका रहेगी। सकारात्मक सोच के धनी। मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं धीरज श्रीवास्तव। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे थे। यूपीए की अगुवाई वाली सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार समिति में ओएसडी रहे हैं। सदा सकारात्मक बदलाव लाने की राजनीति के पक्ष धर रहे हैं। पिता इलाहाबाद के प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं। पिता ने इलाहाबाद का एमएलसी के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। धीरज ने अपने पिता के आदर्श वाक्य हर जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने के वचन को आत्मसात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।